राजस्थान में चाइनीज मांझा पर लगे प्रतिबंध की वजह से हजारों लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार मिल गया है। यह खबर और आंकड़ा दोनों ही चौंकाने वाले हैं। हालांकि इस प्रतिबंध की वजह से कई व्यापारियों का लाखों के रुपए का नुकसान भी हुआ है। राज्य सरकार ने चीनी मांझे के भंडारण और खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। पुलिस उन लोगों पर कार्यवाही भी कर रही है जो इसकी खरीद फरोख्त में शामिल है। इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर मांझा बनाने के काम में लोग जुटे रहे। चाइनीज मांझे के नाम से विख्यात नायलॉन की डोर का इस्तेमाल पतंगबाजी के लिए किया जाता रहा है। इसकी वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हालत में अस्पताल पहुंच चुके हैं। चाइनीज मांझे पर रोक लगने की वजह से परंपरागत रूप से मांझा सूतने का काम शुरू हो गया है। मांझा तैयार करने के लिए कई नई दुकानें भी खुल गई है, जिन पर बड़े बड़े चक्रों के माध्यम से मांझे को तैयार किया जा रहा है। ऐसे में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों को लेकर आमजन भी अब सतर्क है। आमजन भी लगातार प्रयास कर रहा है। लोग देसी जुगाड़ अपनाते हुए बाइक के आगे एक गोलाकार फ्रेम लगाकर घूम रहे हैं, जिससे कि मांझा दूर से ही किनारा कर लेता है। आप देख सकते हैं इस विजुअल में कि किस प्रकार एक डिलीवरी बॉय ने अपनी बाइक के आगे सेफ एरिया बना रखा है। यदि रास्ते चलते कोई मांझा आ जाए तो वह पहले ही उसे रोक लेगा। ऐसे में यह माना जा सकता है कि प्रदेश में चाइनीज मांझे के बारे में आमजन सतर्क है। सर, क्या है यह बाइक आपकी? सर, ये प्लास्टिक है, मांझा रोकने के लिए लगाया हुआ है। क्यों? मांझा सिर पे नहीं आए, कोई आगे से आए कट जाए करे नार वगैरह। सर, ये तो ऐसे ही लगाया है। कितने में लगा? सर, ऐसे नॉर्मल लगाया कबाड़ी से लेके, पैसे नहीं लिया वैसे ही। तो मंजे खूब आ रहे हैं अभी, चाइनीज मंजे खूब है कि कल परसों ही नाक कट गई थी हमारे जैसे भाई की।